हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.2 चैप्टर का दिन उसमें तीसरे का फर्स्ट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन वो देखते हैं, बहुपद दिया है इसके हमने शून्य ज्ञात करने हैं, दो शून्य देखते हैं, 2 + √3 है, दो शून्य देखते हैं इसमें, एक तो है 2 + √3 और दूसरा है 2 - √3। इसके अन्य शून्य हमें ज्ञात करने, तो यहां से इसलिए इनको ये इसके दो शून्य है, बहुपद के दो शून्य है, बहुपद के शून्य है, तो इनसे ये यहां पर एक गुणनफल बना लेते हैं। इसको लिख सकते हैं x - 2 + √3 x - 2 - √3। सोल्व करते हैं इसको, तो x - 2 - ± √3, यहां से x - 2 + √3, यहां इसको लिख सकते हैं x - 2 - √3 और यहां पर x - 2 + √3। सरल समीकरण के हमारे a - b a + b, a स्क्वायर a की वैल्यू x - 2 की स्क्वायर - b स्क्वायर, तो b की वैल्यू √3 की स्क्वायर। तो x माइनस 2 की होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे a माइनस b की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो a स्क्वायर -2ab + b² - √3² 3, तो x स्क्वायर -4x + 4 - 3, तो x स्क्वायर -4x + 1 + 4 - 3 कितना आ गया +1, तो x स्क्वायर -4x + 1 fx का एक गुणनखंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसके क्या थे, शून्य थे, शून्य कौन से ही ये हमने बनाया, अतः ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इसका ये गुणनखंड है, तो इसका हम इसमें बांटेंगे इस बहुपद में इस गुणनखंड का, तो यहां से बांट देते हैं हम इसमें, तो x की पावर 4 - 6x³ - 26x² + 138x - 34, और इसमें वापिस करेंगे x² - 4x + 1 x² - 4x + 1। तो सॉल्व करते हैं इसको, वो ही प्रोसीजर, पहली संख्या यहां पर x की पावर 4 है, यहां x की स्क्वायर है, तो x की पावर 4 फॉर्म में x की स्क्वायर, ऊपर जाके पावर माइनस, तो कितनी रहेगी x की पावर 2, तो इस पूरे बहुपद का इस गुणनखंड का किससे गुणा करेंगे, x की स्क्वायर से, तो x की स्क्वायर (x²) - 4x + 1, (x²) x की पावर 4 - (x²) - 4x, तो 4x³ (x²) - 1 (x²), तो x की पावर 4 -4x³ + (x²), ये प्लस का था माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस, प्लस x की पावर 4 -x², कैंसिल, -6x³ + 4x³, माइनस प्लस माइनस, 6x³ में से 4x³ घटाएंगे, 2x³ रहेंगे, इसके रहेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, माइनस के 26x² माइनस का 1x², तो ये कितने हो गए माइनस के 27x², ऊपर से क्या करेंगे प्लस के 138x, और वही चीज इसमें पहली संख्या यहां से उठाते हैं, यहां पर पहली संख्या क्या किया -2x³ / यहां पर पहली संख्या x² पावर 3 है, 2 तो इससे कैंसिल ही होगी, 1 पावर रह गई, तो किससे गुणा होगा इसका -2x, तो -2x से इसका गुणा करते हैं, तो -2x (x²) - 4x + 1, -2x (x²), तो -2x³ / 1 / 2 / 3, फिर -(-) +
दो इंटू चार आठ एक्स इंटू एक्स एक्स की स्केयर माइनस दो एक्स इंटू प्लस वन तो माइनस की दो एक्स तो कितने आ गए माइनस दो एक्स की पावर तीन प्लस आठ एक्स स्केयर माइनस दो एक्स। अब ये माइनस कर दिए तो प्लस माइनस प्लस माइनस दो एक्स क्यूब प्लस दो एक्स क्यूब कैंसल माइनस के सताइस एक्स स्केयर माइनस के आठ एक्स स्केयर कितने होंगे माइनस के पैंतीस एक्स स्केयर प्लस के एक सौ अड़तीस एक्स प्लस के दो एक्स तो प्लस के एक सौ चालीस एक्स ऊपर से क्या करेंगे माइनस के पैंतीस। अब यहां से पहली संख्या बताते हैं माइनस पैंतीस एक्स स्केयर अपॉन में यहां से पहली संख्या बताएंगे एक्स स्केयर एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसल तो किस से गुणा होगा इसका माइनस पैंतीस माइनस पैंतीस इंटू एक्स स्केयर माइनस चार एक्स प्लस माइनस पैंतीस इंटू एक्स स्केयर तो माइनस पैंतीस एक्स स्केयर माइनस इंटू माइनस प्लस पैंतीस इंटू चार एक सौ चालीस एक्स माइनस प्लस माइनस पैंतीस इंटू एक पैंतीस तो माइनस पैंतीस एक्स स्केयर प्लस एक सौ चालीस एक्स माइनस पैंतीस ये प्लस का होगा माइनस प्लस ये प्लस माइनस कैंसल प्लस माइनस तो शेषफल इतना आ गया शून्य शेषफल में शून्य आया क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड था इसके शून्य को से बनाया। अब इसके अन्य दो शून्य ज्ञात कर लेंगे तो विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या दिया था फंक्शन x की पावर चार माइनस छह एक्स क्यूब माइनस छब्बीस एक्स स्क्वायर प्लस एक सौ अड़तीस एक्स माइनस पैंतीस इक्वल में तो इसका ये गुणनखंड x स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक इसके तो दो शून्य गए दो प्लस माइनस रूट तीन तो इसको आप सॉल्व नहीं करो। दूसरा इसमें हमारा x स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस पैंतीस तो x स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक हमें तो अन्य दो शून्य चाहिए ये तो नहीं चाहिए वापिस इनको भी निकालना है तो इसको सॉल्व करते हैं गुणा करने पर कितना बने पैंतीस जोड़ने या घटाने पर माइनस के दो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सात इंटू पांच पैंतीस तो सात एक्स प्लस पांच एक्स माइनस पैंतीस माइनस प्लस माइनस सात एक्स में से पांच एक्स दो एक्स बचेंगे माइनस के गुणा करने का तुम्हारे कितने बन गए पैंतीस तो x स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक इतने में से कॉमन लेंगे तो x ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस सात फिर प्लस यहां से कॉमन लेंगे पांच ब्रैकेट में रहेगा x माइनस सात तो x स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस एक पूरे में से कॉमन आ गया x माइनस सात ब्रैकेट में रहेगा x प्लस पांच इसको भी सोल्व करने तो कर सकते हो वापिस यही दो शून्य पाएंगे अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये शून्य तो हमें दिए हुए हैं अन्य शून्य भी दिखे से। अब यहां से अब बहुपद के अन्य शून्य को अतः बहुपद के अन्य शून्य बहुपद के अन्य शून्य x माइनस सात इक्वल में जीरो तो x इक्वल क्या आएगा प्लस का सात x प्लस पांच इक्वल जीरो तो x इक्वल क्या आएगा माइनस का पांच तो इसके अन्य शून्य क्या होंगे सात और माइनस पांच इस प्रकार से अन्य शून्य क्या करो इसको भी सोल्व करना है तो कर सकते हो इसको सोल्व वो स्टार्टिंग में जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसका अपोजिट ही चल रहा है इसका जो थर्ड पार्ट है वो सिंपल है उसका एक आपको सुने देता है माइनस ठीक है तो उसको इस प्रकार से लिख लोगे x माइनस माइनस तो x प्लस दो इसका एक गुणनखंड होगा और x प्लस दो का आप उस बहुपद में बांट दोगे तो वो द्विघात समीकरण होगा। नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन
बहुपद एफ एक्स डेल्टा है बहुपद एफ एक्स इक्वल एक्स की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो ये बहुपद है को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर जी एक्स से इसमें क्या दे रहा है भाग दे रहे भाग देने पर भागफल क्यू एक्स और शेषफल आर एक्स भागफल क्यू एक्स शेषफल आर एक्स क्रमशः क्या क्या प्राप्त होते हैं एक्स माइनस दो और माइनस दो एक्स प्लस छ तो जी एक्स की वैल्यू में याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुपद एफ एक्स में जी एक्स से भाग दे रहा है उसके पास भागफल और शेषफल ये प्राप्त हो रहे हैं तो हमें जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो इसमें सबसे पहले भाज्य जिस किसमें भाग दे रहा है वो भाज्य हो गया भाज्य एफ एक्स हमारा कितना एक्स की पावर तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो भाजक जिसके द्वारा भाग दे रहे जी एक्स इक्वल में ये हमें ज्ञात करना है ये हमें ज्ञात करना फिर भागफल क्यू एक्स इक्वल में एक्स माइनस दो शेषफल आर एक्स इक्वल माइनस दो एक्स प्लस चार तो विभाजन एल्गोरिथम की प्रयोग से विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं इसमें विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल सकते हैं तो यहां से भाज्य बराबर भाजक में इनटू भागफल प्लस शेषफल यही अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम भाज्य हमारा क्या है एफ एक्स इक्वल जी एक्स इंटू भागफल क्यू एक्स प्लस शेषफल आर एक्स वैल्यू रखते हैं एक्स की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो इक्वल में जी एक्स इंटू क्यू एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस दो प्लस में आर एक्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस दो एक्स प्लस छ ठीक है तो यहां से x की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो इक्वल में जी एक्स इंटू एक्स माइनस दो प्लस माइनस माइनस दो एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस के चार इनको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो यहां से जी एक्स इंटू एक्स माइनस दो इक्वल में x की क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो माइनस के दो एक्स एक्साइड जाके प्लस के दो एक्स प्लस के जा रहे हैं माइनस के तो जी एक्स इंटू एक्स माइनस दो इक्वल में एक्स की क्यूब वाली एक ही संख्या है एक्स स्क्वायर वाली भी एक ही संख्या है प्लस एक्स प्लस के दो एक्स तो कितने होंगे प्लस के तीन एक्स प्लस दो माइनस चार माइनस के दो जी एक्स के गुणा में एक्स माइनस दो उधर किसमें मिलेंगे भाग में तो जी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दो अपॉन में एक्स माइनस दो अब एक्स माइनस दो का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी एक्स एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दो बाहर किससे ले रहे हैं एक्स माइनस दो एक्स माइनस दो पहले यहां पर एक्स की क्यूब है यहां एक्स है तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स तो पावर कितने से गुणा होगा एक्स की स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से एक्स माइनस दो का गुणा करेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब
माइनस दो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक एक्स स्क्वायर ऊपर से क्या करेंगे प्लस के तीन एक्स। अब यहां पर एक्स है यहां माइनस एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स कैंसिल तो किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स से तो माइनस एक्स का एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस के दो एक्स प्लस हो गया ये माइनस प्लस तीन एक्स माइनस दो एक्स प्लस का एक एक्स ऊपर से क्या करेंगे माइनस के दो पहली संख्या यहां से एक्स एक्स में एक्स का भाग देंगे तो अब इससे मल्टीप्लाई होगा इस बार एक से तो एक से गुणा करेंगे तो ये छह नहीं आएगा एक्स माइनस दो माइनस प्लस शेषफल कितना आ गया शून्य तो जी एक्स पर क्योंकि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस टू इक्वल में कितना आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और ये पूरा किसके इक्वल था जी एक्स के तो यहां से जी एक्स इक्वल क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन करोगे जो भी इसके क्वेश्चन आपसे करवाएंगे आप खुद करने के लिए हैं अगर फिर भी डाउट है तो आप वो डाउट अपने मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो भी इसकी एक्सरसाइज है 3.3 वो नेक्स्ट लेक्चर में